नमस्ते जी, नमस्ते भाई, नमस्ते। स्वागत है हमारा खुद का, हमारे खुद के चैनल पे, क्योंकि एक साल बाद जो हम पधारे हैं यहाँ पे अपना मुंह लेके। टाइटल देख के आपको पता ही चला होगा कि ये वीडियो होने वाला है टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक नाम का बम अभी फट चुका है और अभी सबको टिकटॉकर होना है। वीडियो का टाइटल देख के अगर आपको लग रहा है कि इंडिया में टिकटॉक स्टार होना बहुत ही आसान है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो है एक्चुअली, मतलब बच्चों का खेल है एक्चुअली, लिटरली इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। कवारी है तू सोनी है ते मैं भी कवार। मत खेल मत खेल मत खेल, अरे मत खेल मेरे। और अगर आपको भी टिकटॉक स्टार बनना है तो ये वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए, आप भी हो जाएंगे टिकटॉक के स्टार। तो चलिए बनाते हैं टिकटॉक बिना किसी रुकावट के, क्योंकि हमारे पास कोई स्पॉन्सर तो है नहीं। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टिकटॉक बनाने के लिए। सबसे पहले लीजिए हाफ टी स्पून म्यूजिकली, हाफ टी स्पून डब स्मैश, बाद में उसमें मिक्स कीजिए 8 से 10 साल के बच्चों की प्रॉब्लम्स, जैसे कि हैशटैग फ्रेंडशिप, हैशटैग दोस्ती, हैशटैग दुश्मनी, हैशटैग लड़का, हैशटैग लड़की, हैशटैग एटीट्यूड, और उसको अच्छे से मिलाइए। ओह माय गॉड, इसमें गलती से एकता कपूर का ड्रामा ऐड हो गया। बच्चों ऐसे बन गया टिकटॉक। जैसे किसी नए देश में जाने के बाद हम उस देश की भाषा सीखते हैं, वैसे ही टिकटॉक नगर में जाने के बाद आपको टिकटॉक की भाषा सीखनी पड़ेगी, टिकटॉक साइन लैंग्वेज जिसे कहा जाता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टिकटॉक साइन लैंग्वेज बहुत ही आसान है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो है बहुत ही आसान। मतलब ये हो गया दिल, ये है दिल, ये है गलियां, ये हो तुम, ये हूँ मैं, ये है सारा जमाना। मतलब यू गेट द आइडिया राइट? दिस इज नॉट किस, दिस इज कॉल्ड कुची। आई डोंट नो, दिस इज अ ट्रिक थिंग। ये है नींद, ये है दीवानगी और दीवाना, व्हाटएवर द हेल दैट इज। नाउ ट्राई टू गेस दिस सॉन्ग। तेरी गलियां, एग्जैक्टली तेरी गलियां, दिस इज यू आर गेटिंग देयर। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। इस टाइप ऑफ टिकटॉक वीडियोस का टारगेट ऑडियंस आप और मैं नहीं है। जब बाद में इस धरती पे से इंसान नष्ट हो जाएंगे और एलियन इन्वेजन होगा, तब एलियन इसे देख के ये गाना समझ जाएंगे, ये गाना क्या, ये लड़की कहना क्या चाहती है। हट के लिप सिंक का मजा ही कुछ अलग है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाजें एक आम आदमी अपने कानों से सुन सकता है, मतलब बहुत स्कोप है तुम्हारी। इस रेंज में पड़ने वाली कोई भी आवाज पकड़ लो, चाहे वो तंबूरे की हो, तानपुरे की हो, तबले की हो, पियानो की हो, हॉर्न की हो, ट्रैफिक की हो, कोई भी आवाज पकड़ लो और उस पर लिप सिंक कर लो, कोई भी। मैं निकला ये हो गया इंसान से रिलेटेड आवाज। अगर आप बहुत ही क्रिएटिव अंदर से लग रहा है, तो जानवर की आवाज पे भी आप लिप सिंक कर सकते हैं, उसमें भी बहुत लाइक्स मिलते हैं। टिकटॉक में फेमस होने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि लोगों को आपको एंटरटेन नहीं करना है, आपको बस खुद वायरल कैसे हो यही सोचना है। हाउ कैन आई गेट वायरल? कुछ भी करो लेकिन वायरल हो। टिकटॉक पे वायरल होने के लिए सिर्फ एक ही रूल की जरूरत है, और वो है रिपीटेशन। मतलब कोई भी चीज करो लेकिन हर वीडियो में करो, बार बार करो, लगातार करो, चाहे वो ऐसा मुंह बनाना हो, या ऐसा मुंह बनाना हो, अगर आपको मुंह बनाना भी नहीं आता तो क्या आता है आपको? चलना आता है,
चल के वायरल हो जाओ, बस चलो हर वीडियो में चलते रहो, बस वॉक करो वॉक करो। जस्ट एज सिंपल एज दैट, जस्ट वॉक। ये बंदा अपने हर वीडियो में सिर्फ चलता है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। अपने 25,520 वीडियो में इसने लगभग 30 मिलियन लाइक्स भी पाए हैं और 1760 किलोमीटर भी पार किए, मतलब इट्स एन अचीवमेंट। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। इमेजिन कीजिए कि कल अगर इसके पापा किसी बड़े ऑडिशन में इसे कास्ट करने के लिए लेके जाए तो। पता है अगली पिक्चर में पांडे पास कर रहा हूँ। हाँ वो तो बहुत स्टर्लिंग है। हाँ स्टर्लिंग तो है, कास्ट करता हूँ। सर नमस्ते सर। सर मेरा लड़का टिकटॉक बनाता है सर, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है सर, एक चांस दीजिए कास्ट कीजिए, वो चमक जाएगा लड़का सर। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, बस आप एक चांस दे दीजिए, सच बता रहा हूँ मां कसम लड़का चमक जाएगा। ठीक है हम चमकाएंगे उसको, लेकिन टैलेंट क्या उसकी? वो चलता है सर। अरे हम चलाएंगे उसको, लेकिन उसमें स्पेशल टैलेंट क्या है? स्पेशल टैलेंट सर वो सर लड़का चलता है सर। लड़का चलता है? चलता है, समझ में आया। लेकिन लेकिन उसमें स्पेशल टैलेंट क्या है? वो एक्टिंग करता है, डांस करता है, मिमिक्री करता है, मेथड एक्टिंग करता है, वो उसमें वो ये यूनिक टैलेंट कौन सा है? सर यूनिक टैलेंट सर, स्पेशल टैलेंट सर उसका चलता है सर। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा, जिस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा, मैं पहले से फेमस। तो अगर आपको टिकटॉक में एक्टिंग करनी तो इसमें तीन टाइप की एक्टिंग आती है। फर्स्ट अंडर एक्टिंग, इतनी बकवास एक्टिंग करो कि तुम्हारी एक्टिंग देख के लोग कमल खान को ऑस्कर दे दे, मतलब लोग तरस खा के तुम्हें लाइक देना चाहिए, इतनी बकवास एक्टिंग। सेकंड टाइप इज ओवर एक्टिंग, ये है क्या? मतलब आज तक कोई साइंटिस्ट भी ढूंढ नहीं पाया इसका मतलब क्या है। बट आई थिंक दैट ये इनकी भी गलती नहीं है, ये गलती है नेपोटिज्म की। इनके अंदर की जो एक्टिंग की लावा है वो अभी फट से बाहर आ रही है। बेसिकली जैसे भूल भुलैया में विद्या बालन को बनना डांसर था और उसे बनने नहीं दिया तो वो बन गए बंजुलिका, वैसे ही इन लोगों को जो चांस मिलना चाहिए था वो चांस मिला स्टार किड्स को, जैसे अनन्या पांडे या फिर आलिया भट्ट या फिर वरुण धवन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बॉलीवुड में सब स्टार किड्स को चांस मिल रहा है, पर इन लोगों को जो चांस मिलना था वो इनको नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली टिकटॉक के माध्यम से इनके अंदर की मंजुलिका छत पे नाच रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस मंजुलिका को देख के लोग डर जाते थे, इनको देख के लोग कमेंट करते हैं जैसे कि मस्त, गजब, कड़क, गजब। मतलब इस देश में कुछ बचा ही नहीं है। मोदी जी आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, आपको भी सोचना चाहिए था कि नोटाबंदी से जरूरी इस देश में है नेपोटिज्म बंदी। एक रात को जैसे नोटाबंदी कर वैसे ही एक रात को आप नेपोटिज्म बंद कर दीजिए। भाई और बहनों, कल से इस देश में नेपोटिज्म पूरी तरह से गैर कानूनी है। यानी कि एक एक्टर का लड़का बैंक में नौकरी करेगा और एक कैशियर का लड़का करण जौहर की अगली पिक्चर में स्टार होगा और एक चाय वाला देश चलाएगा जी। तीसरी एक्टिंग है सदमा एक्टिंग। ये स्पेसिफिकली वही लोग कर सकते हैं जिनका पैसा एक का डबल स्कीम में डूब गया है। एक का डबल, तू भी एक का डबल करता है क्या? चले गए
पागल हो गया क्या? अरे साले ये कंडबल क्या बाबू भैया अगर आपको एक्टिंग नहीं आती तो आप ट्राई करें ट्रांजिशन सॉरी टिकटॉक ट्रांजिशन तंत्र। क्या आप पैदाइशी गरीब है और आप बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते पर अमीर जरूर बनना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए टिकटॉक ट्रांजिशन तंत्र और कुर्सी पे बैठ के घूमिए यूं आपकी तिजोरियां पैसे से भर जाएंगी। टिकटॉक ट्रांजिशन तंत्र। क्या आपकी एक आंख टेढ़ी है? ना 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 जिन्ना डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है बस खरीदिए और बस अपनी मुंडी यू लीजिए और यू घुमाइए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। क्या आपको अपना जेंडर चेंज करना है तो खरीदिए नहीं 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 टिकटॉक ट्रांजिशन तंत्र नहीं टिकटॉक ट्रांसफॉर्मेशन तंत्र समझे जोक समझे ट्रांसफॉर्मेशन और बस यूं कीजिए और चमत्कार देखिए। आप भी सोच रहे होंगे ना ये टिकटॉक भैया आया कहाँ से तो मैं आपको बता दूं टिकटॉक आया नहीं टिकटॉक को लाया गया है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए पहले 3 घंटे की पिक्चर हुआ करती थी बाद में आए 1.5 घंटे की पिक्चर है बाद में आए 30 मिनट के टीवी सीरियल एपिसोड्स बाद में आए 20 मिनट के नेटफ्लिक्स हॉटस्टार वगैरह एपिसोड्स बाद में आए 10 मिनट के यूट्यूब एपिसोड्स और बाद में आए 15 सेकंड का टिकटॉक। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए और अब आते हैं टिकटॉक कॉमेडी की ओर। अगर आपको लिपसिंग में कॉमेडी करना है तो ऐसा आपको ये स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा और इस स्क्रिप्ट को ऐसे ऐसे धीरे से ऐसे ऐसे करने का थोड़ा सा मालूम नहीं क्या हुआ था थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये स्क्रिप्ट लो टिकटॉक पे लिपसिंग करने के लिए स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है बस एक लाफ ट्रैक डाल जीरो के बाद क्या आता है एक तेरी चड्डी में केक जीरो के बाद क्या आता है एक तेरी चड्डी में केक जीरो के बाद क्या आता है एक तेरी चड्डी में केक आटा बोल आटा ले चटा पापड़ बोल पापड़ ले झापड़ बोल पापड़ पापड़ ले झापड़। अब इस जोक के 21,325 अलग अलग वर्जन्स निकलेंगे उसमें लाखों फॉलोअर्स मिलेंगे। मुर्गियों का फार्म खोलूंगा हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी करोड़ों सब्सक्राइबर्स मिलेंगे पैसा ही पैसा होगा बोल पापड़ पापड़ ले झापड़ बोल पापड़ पापड़ ले झापड़ बोल पापड़ पापड़ ले झापड़ जो भी मैं वीडियोस अभी दिखा रहा हूँ या अभी तक दिखा चुका हूँ ये प्रोफेशनल टिकटॉकर्स हैं टिकटॉकर्स पॉपुलर टिकटॉकर्स जिनके 10 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तब आप सोच सकते हो ये एमेचर्स नहीं है एमेचर्स की बात अलग ही है ये मेन स्ट्रीम कॉमेडी है टिकटॉक पे यही चलता है टिकटॉक की दुनिया में यही टाइप की कॉमेडी बोल स्लो मोशन स्लो मोशन एक घूसा मैं निकाल दूंगी तेरा लूज मोशन ये टिकटॉक की दुनिया में गार्बेज बीन्स में नहीं डाली जाती जैसे रियल दुनिया में डाली जाती है टिकटॉक के ब्लैक मार्केट में ऑन में पैसा देके खरीदी जाती है 3 स्टोरी फुल एसी ग्लास शोरूम में सड़कों पे लाइनें लगा के लोग ये खरीदते मतलब आप समझ रहे हो ये क्या टाइप का कॉमेडी चलता है यहाँ थैंक यू भाई माय प्लेजर माय एक्सेस 125 बहुत भागती है मैया कसम थैंक यू माय प्लेजर My Activa.
That is comedy. That is comedy, guys. Laugh. Clean comedy. That is called cleanest comedy. पर मेरा क्या है, मैं क्यों हाइपर हो रहा हूँ? मुझे तो बस आपको बताना है how to be viral on TikTok. I was broken from a young age, taking my soak into the map. सुन, मेरी शादी हो रही है, आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं रह सकती. जा कर ले. तू ले. अच्छा, तो तुम्हारी शादी हो रही है. कैसे होगी शादी अगर तुम्हारे पति को ही मैं मार डालूं तो? I don't know if this was meant to be funny or something, but I don't get the joke here. और इस प्लेटफॉर्म पे डालने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि ये लोग देखने वाले बच्चे हैं. मजाक में ये वीडियोस बहुत ही डरावने या फिर क्या बोलते हैं उसे, जहरीले मैसेजेस पास कर रहे हैं यूथ में. If you are not mine, then you are of nobody. जैसे लड़कियों को चाटा मारना इज अ ट्रेंड. ओ देखना मेरा पागल बॉयफ्रेंड आ गया. वो देख रेसरी का सलमान खान. कहाँ भाईजन का? क्या ये वीडियोस में बताया गया जो उन बच्चों को समझ में आएगा जो ये वीडियो देख रहे हैं? ये जोकर, ये जोकर सुनना. मैं ही जोकर. ये वीडियो देख के बच्चों को भी लगेगा कि यार मम्मी पापा के डांट खाने से तो अच्छा है कि मैं भी जोकर बन जाऊं. बट व्हाटएवर मैन, मुझे तो मेरा काम तो बस ये है कि आपको वायरल कर देना टिकटॉक पे. कंट्रोल. हाय एवरीवन, आई एम फाइनली ऑन टिकटॉक एंड यू कैन फॉलो मी. अपने बाल ऐसे घोंसले की तरह बढ़ाओ, यहाँ पे सब जो बाल है वो काट डालो और कलर कर दो बालों को. और कोई भी प्रॉपर ट्रेंडिंग टिकटॉकर के पास जाओ, उसको 500 रुपए दो और उसे बोलो कि वो आपके साथ एक वीडियो बना ले. भाई मुझे फेमस होना यार, करा दो यार. मैं नोटी भाई से मिला आज. करा दो भाई. लिटरली भीख मांगो कि यार मुझे फेमस कर दो. यार मतलब वायरल कर दो यार, मेहनत कर रहा हूँ. मुझे फेमस होना यार, करा दो यार. ये बोलना बहुत जरूरी है कि तुम मेहनत कर रहे हो. मेहनत मत करो, मेहनत करना जरूरी नहीं है, ये बोलना जरूरी है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ. और सबसे आसान तरीका जो आप पहले से ही जानते हो, रिएक्शन वीडियोस बनाओ. चल मार. ओए चाबी बोल. चाबी. मैं तेरा भैया, ये तेरी भाभी. ओए पजामा बोल, पजामा. तू हमारे होने वाले बच्चों का मामा. ये देख आया, इसने तो टिकटॉक बनाना बंद कर दिया था, वापस क्यों आया? लौट कर आया हूँ, हिसाब करके जाऊंगा, हर एक को उनकी औकात दिखा कर जाऊंगा. इन दोस्तों मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा जिस तरह फ्लॉप. क्या ये है? क्या ये? ये तो पुलिस का सामान है, तू कहां से ढक के लाए इसे? मतलब कुछ भी चल रहा है टिकटॉक पे. ये गन है, ये हाथ को ऐसा कर दिया तो गन हो गया, ऐसा कर दिया तो दो गोलियां चली ठाई ठाई करके. कुछ भी मतलब ये मेरे तो समझ के बाहर है. एनीवे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम एक स्पेसिफिकली वीडियो बना के आपको आंसर्स दे देंगे. और यार फेमस कर दो यार, बहुत मेहनत करो. फेमस करो, फेमस. वहां से दो गोलियां आई थी. कोई मर्डर वेपन मिला क्या? वेपन तो मिला नहीं, पर हैंडगन से शूटिंग हुआ. हैंडगन से? मोटिव तो कुछ मिला नहीं, पर ये तो खाली थैलियां मिली. थैलियां? और उसका पॉकेट चेक करो.
बास्केट में से ये कुछ चिट्ठी मिली है। ये तो डीमार्ट का बिल है। अच्छा, ये 2 किलो प्याज लेके जा रहा था। नमस्ते सर। नमस्ते सर। अरे यार तुम फिर आ गए सर। मेरी लड़की है सर। अच्छा, अभी लड़की भी है? हाँ सर, लड़की वो टिकटॉक पे फेमस है सर, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है उसके। ये टिकटॉक विकटॉक मेरे को मत बताओ, ये बताओ खाली लड़की क्या करती है। तो लड़की खरा हीरा है सर, सोना है सोना, एकदम असली टैलेंट है उसे। बहुत अच्छा, लेकिन मेरे को खाली एक बात बताओ, पूछ रहा हूँ सही से बात। सही से। तेरी लड़की करती है? चलती है। शामो दरवाजा बंद। तो तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, दोनों भी चलता है? चलती है। चलता है? चलता है।